नमस्ते ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल निकितास फैशन। सो गाइस, टाइटल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं भोपाल से इंदौर जा रही हूँ बाय न्यू गो इलेक्ट्रिक बस, जो कि चार्टर्ड बस जैसी ही होती है बट ये इलेक्ट्रिक चार्ज्ड होती है। सो इस ब्लॉग में मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल शेयर करूंगी, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। अभी हम पहुंच गए हैं ISBT भोपाल, जहाँ से हमें पिकअप वैन पिक करेगी और न्यू गो बस ऑफिस लालघाट तक पहुँचाएगी। तो तब तक हम लोगों को लग रही थी थोड़ी सी भूख, तो हमने यहाँ से खाया मेन्दू वड़ा, बहुत टेस्टी था। अब ये ट्रैवलर पिकअप वैन हमें पिक करने के लिए आ गई, तो हम लोग उसमें बैठ गए और ये मामा जी भी हम लोगों को सी ऑफ कर रहे हैं। तो गाइस, जब तक हम न्यू गो बस ऑफिस तक पहुँच रहे हैं, तब तक मैं आपको उसकी कुछ डिटेल शेयर करती हूँ। तो अभी रिसेंटली पास्ट ईयर ये इलेक्ट्रिक बस इंदौर टू भोपाल रूट पर चालू की गई है। एक बार चार्ज करने के बाद 280 किलोमीटर तक चलती है। ये बस हमने रेड बस के थ्रू बुक करी थी और आप न्यू गो के ऐप से भी बुक कर सकते हैं। ये बस हमने जब रेड बस के थ्रू बुक करी थी तो वहाँ लिख के आ रहा था वर्मा ट्रैवल्स, तो ये वर्मा ट्रैवल्स से पार्टनर्ड है, तो आपको वर्मा ट्रैवल्स वाले कॉल करते हैं कि आप लोग अपने ट्रैवलर में बैठ गए हैं सेफली और आपकी बस ना छूट जाए इसीलिए। तो गाइस, अब हम पहुँच गए हैं न्यू गो ऑफिस, जहाँ से हमें ये बस मिली है। हमने अपना सारा लगेज जो है वो लगेज ट्रंक में रखवा दिया है और हम बस में बैठ गए हैं। ये है बस का ओवरऑल व्यू। इस बस की खास बात ये है कि बस अगर किसी पिलर या रोड साइड के पास पहुंचती है तो ये इंडिकेट कर देती है ड्राइवर को और को ड्राइवर को। हमने जो अपना लगेज रखवाया था उसके लिए हमको ये टिकट्स टाइप मिले हैं और थोड़ी देर बाद हमको पानी की बॉटल और एक रिफ्रेशिंग वाइप्स मिले थे नेस्टा के। भोपाल टू इंदौर ये बस का जो चार्ज है वो 399 पर पर्सन इंक्लूडेड GST है। सीहोर के पास पप्पू रेस्टोरेंट में बस में के लिए रुकी है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी शॉप्स हैं खाने पीने के साथ, जूसेस, अचार और क्लोथ्स वगैरह भी हैं। इलेक्ट्रिक बस बाहर से कुछ इस टाइप की लगती है और ये बाहर का व्यू है, जो पप्पू रेस्टोरेंट है उसके बाहर से व्यू है। ये यहाँ पर पार्क वगैरह भी, तो आप लोग चिल्ड्रंस वगैरह के साथ यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ओपन होने पर ये बीप करता है इस तरह से। ये बस फुली इलेक्ट्रिक AC बस है, इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। और अब हम लोग वापस निकल गए हैं सीहोर से इंदौर की तरफ। हमारी जर्नी तो न्यू गो इलेक्ट्रिक बस के साथ बहुत स्मूथली हुई, आप लोग भी ये बस में ट्रैवल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ब्लॉग को लाइक और शेयर करें। बाय बाय।